हेलो गाइस, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ ऑन पीटी 365 ऑफ एनवायरनमेंट। तो अभी तक मैं दो वीडियो डाला हूँ, एक पार्ट वन था डेट वाज ऑन क्लाइमेट चेंज और एक पार्ट फोर था डेट वाज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो टोटल और चार सेक्शन बच रहा था, वन वाज ऑन पॉल्यूशन, वन वाज ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड वन वाज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वन वाज ऑन ज्योग्राफी। तो जो पॉल्यूशन, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेक्शन है वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा और ये वीडियो को मैं पार्ट टू एंड फाइव डिनोट करूंगा। और एक पार्ट बच जाएगा, डेट इज़ पार्ट थ्री बायोडाइवर्सिटी, जिसमें जैसे फॉरेस्ट सर्वे है, टाइगर सेंसस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बचे हैं वो उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये दो वीडियो मेरी ऑलरेडी आ चुकी है पी टी 365 के एनवायरमेंट पे, ये तीसरी वीडियो है और एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बायोडाइवर्सिटी को कवर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पॉल्यूशन। सो द फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन, दिल्ली एयर पॉल्यूशन। तो ये आप लोगों को पता ही है, बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स में मैक्सिमम टाइम विंटर्स के टाइम में 300 प्लस का एयर क्वालिटी इंडेक्स होता था। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो उसमें कलर कोडिंग होती है डिनोटिंग द डिफरेंट पॉल्यूशन लेवल्स, टोटल सिक्स कलर कोड्स होते हैं और आपको लेवल्स पता होने चाहिए। जो 0 to 50 का लेवल होता है डैट इज़ गुड, जो 50 to 100 होता है डैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, जो 100 to 200 होता है डैट इज़ मॉडरेट, जो 200 to 300 होता है डैट इज़ पुअर, जो 300 to 400 होता है डैट इज़ कॉल्ड वेरी पुअर, और 400 to 500 जो होता है डैट इज़ कॉल्ड सेवियर, और 500 प्लस में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, जो लास्ट टाइम एक बार डिक्लेयर भी की गई थी दिल्ली में। और उसके अलावा टोटल एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करता है। ये आठों पॉल्यूटेंट आपको याद होने चाहिए, ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है। तो वो जो पॉल्यूटेंट्स है दे आर कार्बन मोनोक्साइड CO, देन इज नाइट्रस ऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, देन PM2.5, देन PM10, देन इट इज ओजोन, देन इट इज NH3 अमोनिया एंड देन इट इज PB। तो ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है और जो फाइनल जो अथॉरिटी है जो उसको मॉनिटर करती है डैट इज़ CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत आती है। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये जो बॉडी है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दो एक्ट्स में मेंशनड है। वन इज़ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड वन इज़ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर किया जाता है एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत, और CPCB जो बॉडी बनाई गई थी ये दोनों एक्ट्स में मेंशन है, लेकिन पहली बार ये बनाई गई थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत CPCB नाम की बॉडी बनाई गई थी। तो अब देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर मैनुअल में क्या क्या मेंशन है। तो जो 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 स्टेप्स लिए गए हैं दिल्ली एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए वो यहाँ पे मेंशन है। दिल्ली बिकेम द फर्स्ट सिटी रनिंग ऑन BS6 फ्यूल्स। तो 2019 में लास्ट ईयर से ही दिल्ली इज कम्प्लीटली रनिंग ऑन BS6 फ्यूल्स, और इससे पहले जो BS नॉर्म्स जो फॉलो किए जाते थे डैट वाज BS4 नॉर्म्स, और इंडिया डायरेक्टली स्विच किया फ्रॉम BS4 नॉर्म्स टू BS6 नॉर्म्स। BS6 नॉर्म्स इंप्लीमेंट होंगे फ्रॉम 1st of April 2020, और वो डेट ऑलरेडी पास हो चुकी है। डैट मीन्स कि अब BS6 व्हीकल्स ही अप्लाई करेंगे, BS4 टू BS6 इंडिया फाइनली स्विच कर चुका है। और फिर BS4 और BS6 ये सारे जो नॉर्म्स हैं ये यूरोपियन मॉडल पे बेस्ड है, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 नॉर्म्स है। उसी तरह उन्हीं के कॉमेंसरेट इंडिया में भी BS नॉर्म्स है। तो Euro 4 नॉर्म्स के तहत ही इंडिया का BS4 नॉर्म्स था, और Euro 6 नॉर्म्स के तहत इंडिया का BS6 नॉर्म्स है, और इंडिया अभी स्विच कर चुका है फ्रॉम BS4 टू BS6 नॉर्म्स, और BS5 नॉर्म्स को कम्प्लीटली इंडिया ने बाईपास किया है। तो BS4 से BS6 में आने में दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। वन वाज द डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जिनका मेन काम था कि PM2.5 और PM10 के इमिशंस को रोकना, और वन वाज सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी, उसका मेन काम था कि नाइट्रस ऑक्साइड्स के इमिशन को फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर रोकना। दिल्ली इज स्केड्यूल टू रन ऑन हाइड्रोजन CNG डेट इज HCNG फ्यूल्ड बसेस टू कर्ब इमिशन, और HCNG के ऊपर ऑलरेडी लास्ट ईयर 2019 में UPSC ने प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा था। तो CNG इज ब्लेंडेड विद हाइड्रोजन और वो HCNG बन जाता है, जिसके चलते होता क्या है कि जो CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशंस होता है वो कम होता है। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं लिडार टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मॉनिटर द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली, और लिडार इज लेज़र
बेस्ट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. इसमें लेजर लाइट का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू मोनिटर द लेवल ऑफ पॉल्यूशन. तो लीडार, ये क्वेश्चन आपका साइटेक में भी प्रीलिम्स में आ सकता है. तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि जैसे सोनार होता है, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, साउंड वेव्स को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, उसी तरह लिडार में यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है लिडार टेक्नोलॉजी में. और ये सब केवल आप बस केवल एक बार ऊपर से कर्सरी व्यू की तरह देख सकते हैं कि एडॉप्शन ऑफ ऑक्सी फर्नेसेस इन इंडस्ट्रीज, फोटो कैटालिटिक पेंट्स टू बी यूज ऑन रोड्स, फोटो कैटालिटिक पेंट्स में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, और उसके अलावा एंटी स्मॉक गन्स का भी यूज़ किया जाता है. उसके अलावा स्मॉक टावर्स भी बनाए गए हैं दिल्ली में एज हाई एज 20 feet इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पीएम पार्टिकुलेट मैटर. और उसके अलावा एक एक्शन प्लान फॉर क्लीनर इंडस्ट्री भी प्रेजेंट किया गया था नीति आयोग और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा, और उसको जॉइंट इनिशिएटिव को कहा गया था क्लीन एयर बेटर लाइफ. तो नीति आयोग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की आदत है कि वो कुछ भी प्रोग्राम हो, कुछ भी स्कीम हो, उसको जबरदस्ती वो नीति आयोग का पार्ट बता देते. तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्या क्या कर रहा है. तो क्लीन एयर बेटर लाइफ एक जॉइंट इनिशिएटिव है नीति आयोग और सीआईआई के बीच में. और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ पीएम 2.5 पार्टिकल्स इन दिल्ली. और उसके अलावा देयर इज वन प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल्स. और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. जितने भी स्कीम्स होते हैं वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपको पता होना चाहिए. सेंट्रल सेक्टर स्कीम में होता है कि वो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी. और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में वो स्कीम का जो डिज़ाइन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, पर वो इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है. और जो फंड्स होते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में वो बाइफर्केट होते हैं दोनों के बीच में, सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में. और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारे फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का. और उसके अलावा देयर इज वन प्रोग्राम कॉल्ड जीआरएपी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान. इसके तहत क्या होता है कि पॉल्यूशन लेवल्स जैसे आते जाता है उसके मुताबिक एक्शन लिया जाता है. अगर पॉल्यूशन लेवल कम है तो शायद बहुत कम ही एक्शन लेंगे. अगर पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है तो मे बी ऑड इवन रूल को लागू किया जा सकता है. पॉल्यूशन लेवल और बढ़ा तो मे बी थर्मल पावर प्लांट्स या इंडस्ट्रीज को भी बंद किया जा सकता है. और बढ़ा तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बंद किया जा सकता है. और भी पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा तो मे बी एंटी स्मॉग गन्स वगैरह का यूज़ किया जा सकता है, या फिर रोड से डस्ट को हटाया जा सकता है. डस्ट क्लीनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया जाता है. तो डिपेंडिंग ऑन द पॉल्यूशन लेवल वेरियस एक्शंस लिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान. तो इसका मेन कंसेप्ट यही है. अब होता क्या है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, अब जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो एक्शन लेगा, और जैसे इंडस्ट्रीज को बंद करना है तो इंडस्ट्री का जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो एक्शन लेगा. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाते हैं. इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट होगा. तो सबके बीच में कोहेजन और कोऑर्डिनेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो ईपीसीए नाम की बॉडी है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी. इसका काम होता है कि वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को गारंटी करना कि सच डैट इफेक्टिव एक्शन लिया जा सके पॉल्यूशन लेवल्स के अकॉर्डिंग. ईपीसीए बॉडी, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये बॉडी का बनाना जरूरी है, फिर ये बॉडी बनाई गई थी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बॉडी को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नोटिफाई कर दिया. और ये बॉडी का मेन काम है कि सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना कि सच डैट अगर पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है तो वेरियस बॉडीज कोऑर्डिनेट करके एक प्रॉपर एक्शन ले सके. और 2018 के पॉलिटी पेपर 2 में एक सवाल आया था दिल्ली पॉल्यूशन से रिलेटेड. वो मेन सवाल फोकस कर रहा था कि देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस स्टेक होल्डर्स. तो उसमें आपको ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान और ईपीसीए जो बॉडी है उसका नाम आपको उस आंसर में लिखना होगा, तभी वो आंसर का एक इफेक्टिव आंसर आप लिख पाओगे. और ये आपको पता होना चाहिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, ईपीसीए बॉडी के बारे में, इसका मेन मैंडेट क्या है. उसके अलावा विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट वायु, ये भी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है. ये सीएसआईआर नीरी के द्वारा बनाया गया था. बस आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, बहुत ही फैक्चुअल स्टफ है. और ये जो समीर ऐप है इसका भी काम है एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक को देना. ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है. और एक ऐप है डेट इज कॉल्ड सफर ऐप. सफर ऐप एक्चुअली अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री के तहत आता है. और उसका दो मैंडेट है. एक मैंडेट तो है एयर का जो पॉल्यूशन लेवल है उसको भी मॉनिटर करना और सिटीजन्स को बताना, और दूसरा भी काम है वेदर फोरकास्टिंग का भी काम है सफर ऐप के द्वारा. और सफर ऐप एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं, अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री के तहत आती है. ये यूपीएससी यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकता है. तो वन इज एयर क्वालिटी इंडेक्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, वन इज समीर डेट इज ऑल्सो अंडर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, वन इज सफर ऐप डेट इज अंडर
अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री। अब उसके अलावा देख लेते हैं एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग ए मेजर कंसर्न। तो जो स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है पंजाब में हरियाणा में, तो उसके चलते जो जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं और उसके चलते जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। और दिल्ली में विंटर्स के टाइम में जो पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ जाता है उसमें एक मेजर रोल स्टबल बर्निंग का भी होता है कि वहाँ से जो PM 2.5, PM 10 ये सब जो पर्टिकुलेट मैटर्स एटमोसफेयर में आते हैं उनके चलते भी दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन कर दिया है स्टबल बर्निंग पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में और राजस्थान में। लेकिन बैन करने के बावजूद वो फिर भी होता है। उसका रीज़न ये होता है कि पंजाब और हरियाणा में क्या होता है कि जो समर्स के टाइम में जो क्रॉप उगाए जाते हैं और उसका विंटर्स में वीट उगाया जाएगा, तो दोनों के बीच में जब राइस की थ्रेसिंग कटिंग होती है और वीट के सीड्स को सो करना है, उन दोनों के बीच में टाइम गैप काफ़ी कम होता है। तो टाइम गैप काफ़ी कम होता है तो डेफिनेटली कम टाइम में निकालना है, तो स्टबल बर्निंग ही उनके लिए एक ऑप्टिमम ऑप्शन होता है। और साथ में स्टबल का कोई अब मार्केटेबल यूज़ उतना ज़्यादा है नहीं, तो वो लोग फार्मर्स भी चाहते हैं उसको बर्न करना। और फिर उसके अलावे अगर पंजाब हरियाणा में अगर देखा जाए तो लेबर का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लेबर को भी अगर यूज़ किया जाए तो भी फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, तो इसलिए वो क्रॉप की जो रेसिड्यू है उसको बर्न करते हैं। और तो अब इसका सोल्यूशन क्या क्या निकाला जा सकता है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पहले तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसको बैन कर दिया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा फिर पता लगा रही थी कि कौन से फार्मर्स बर्न कर रहे हैं और उन पर फाइन्स थोपा जाता था। पर हालांकि ये उतना इफेक्टिव टेक्निक नहीं निकला था। और सच्चाई ये भी है कि पहले से स्टबल बर्निंग काफ़ी कम हो चुकी है, फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर स्टबल बर्निंग ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय अबाउट 35-40%, लेकिन फिर भी जितना हो रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए वेरियस स्कीम्स डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट सोच रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च किया है, डेट इज़ अ प्रमोशन फॉर एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके तहत क्या होते हैं कि जो हैप्पी सीडर्स जो मशीन होती है, रोटावेटर्स जो मशीन होती है, तो उनको फार्मर्स को एट सब्सिडाइज रेट पे देना इनका मेन स्कीम का मेन मकसद है। और ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत ये स्कीम आती है, ये भी जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इस पर्टिकुलर मशीन्स के द्वारा भी फार्मर्स क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जो जैसे सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जो मशीन है, या फिर रोटावेटर्स हैं, या फिर हैप्पी सीडर्स हैं, इनका दाम लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होता है। अब गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी कर दे, 20%, 30% सब्सिडाइज भी कर दे, तो भी लगभग 70 लाख, तब तो भी लगभग 70,000 का कॉस्ट बैठेगा, तो वो भी काफ़ी एक हैवी कॉस्ट होता है। तो अब ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट करना चाहिए कि कोऑपरेटिव बेसिस पे फार्मर्स उस मशीन को ओन करे और साथ में गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज करे, तो डेफिनेटली फार्मर्स सोच सकते हैं उस पर्टिकुलर मशीन को और इफेक्टिवली यूज़ करने के बारे में। और उसके अलावा गवर्नमेंट रेंट पे देने के लिए भी सोच सकती है कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को रेंट पे देगी, फिर कोऑपरेटिव फार्मर्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और हालांकि कुछ जैसे अशोक गुलाटी का मानना है कि रेंट सिस्टम उतना बेहतरीन नहीं होगा, उससे बेटर होगा कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे फार्मर कोऑपरेटिव्स को दे और फिर फर्दर फार्मर्स यूज़ करें। और उसके अलावा इस मशीन का जो मेजर बेनिफिट वह है वो ये है कि ये मशीन जैसे राइस का जो स्टबल है उसको काट भी देती है और साथ में ग्राउंड में वीट का जो सीड है उसको सो भी कर देती है। तो उससे होता क्या है कि डेफिनेटली स्ट्रॉ की कटिंग भी हो गई और साथ में जो वीट का जो सीड है उसकी उसको ज़मीन में भी डाल दिया गया उस मशीन के द्वारा, तो दो काम एक साथ हो जाता है। तो कुछ हद तक ये मशीन डेफिनेटली बेनिफिशियल भी है। और उसके अलावा एक टेक्नोलॉजी है, डेट इज़ कॉल्ड टॉरेफैक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हाल फिलहाल में इस स्वीडन के किंग यहाँ पे आए थे, और ये एक टॉरेफैक्शन टेक्नोलॉजी एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है। और स्वीडन के किंग का ये कहना था कि वो टॉरेफैक्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं और इंडिया उसको यूज़ कर सकता है। टॉरेफैक्शन टेक्नोलॉजी के तहत क्या होता है कि जो बायोमास है, जो स्टबल है, उसको 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, और रफली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद वो लगभग कोल लाइक पैलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर कोल लाइक पैलेट्स को यूज किया जा सकता है। यहाँ पे कोल लाइक पैलेट्स को भी बर्न करेंगे तो डेफिनेटली CO2 का इमिशन होगा, लेकिन जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स स्टबल के बर्निंग से निकलते हैं तो उससे काफ़ी कम यहाँ पे निकलेंगे, तो देन इट विल टर्न आउट टू बी मोर क्लीनर टेक्नोलॉजी।
और उसके अलावा अगर आप न्यूज़ काफ़ी फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा, योजना ने भी एक कवर किया था कि छत्तीसगढ़ में एक गौठान मॉडल, GAUTHAN गौठान मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। उसमें होता क्या है कि वेरियस फार्मर्स का कोऑपरेटिव्स बना हुआ है और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, सब्सिडाइज कर रही है। तो वेरियस फार्मर्स आते हैं और गौठान मॉडल के तहत एक गौठान क्रिएट किया जाता है और उसके तहत क्या होता है कि उन स्टबल को फर्दर फिर बायो फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट किया जाता है प्रोसेसिंग प्लांट के द्वारा, और वो प्रोसेसिंग प्लांट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट डेफिनेटली सब्सिडाइज करके बनाने में हेल्प करती है। तो जिसके तहत क्या होता है कि जो फार्मर का जो रेसिड्यू है, जो स्टबल है, वो ऑर्गेनिक या फिर बायो फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है और साथ में स्टबल बर्निंग नहीं होती है तो एयर पॉल्यूशन भी रुक जाता है। तो ये पर्टिकुलर मॉडल जो छत्तीसगढ़ का गौठान मॉडल है वो भी पंजाब या हरियाणा में फॉलो किया जा सकता है। उसके अलावा जो स्टबल है उसका भी मार्केट यूज़ भी डेफिनेटली है, ये फॉडर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर काउज और बुफेलो वो फॉडर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन फॉर गोट वो एक फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा जो स्टबल है उसको पेपर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बायोएनर्जी भी उनसे बनाई जा सकती है। और उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पर एकड़ कुछ सब्सिडी देगी फार्मर्स को कि सच डैट वो राइस वीट से कुछ अदर क्रॉप्स लाइक कॉर्न्स में कन्वर्ट हो, जिसके चलते क्या हो कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम कुछ कम हो जाए। तो ये हमने देख लिया स्ट्रॉ और स्टबल बर्निंग के प्रॉब्लम के बारे में भी कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया और क्या क्या लिया जा सकता है। उसके अलावा ग्रीन क्रैकर्स न्यूज़ में था, CSIR डेट इज़ काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो नागपुर, ये एक सेट ऑफ लेबोरेटरीज है, उसका एक लेबोरेटरी नागपुर में है डेट इज़ कॉल्ड नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने ग्रीन क्रैकर्स को डेवलप किया था। तो इसमें जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, जो हैजर्डस केमिकल्स होते हैं, उनका यूज़ नहीं किया जाता या फिर कम किया जाता है। जैसे ग्रीन क्रैकर्स में बैरियम नाइट्रेट होता ही नहीं है, बैरियम नाइट्रेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉल्यूटेंट है जब इसकी बर्निंग होती है तो। और मेन जो प्रॉब्लम होती है ग्रीन क्रैकर्स में कि उतनी आवाज़ें नहीं आती है, जिसके चलते फिर लोग बाग ग्रीन क्रैकर्स खरीदते नहीं है। तो यही एक मेजर प्रॉब्लम है विथ ग्रीन क्रैकर्स। और इंडिया में जो क्रैकर्स को जो रेगुलेट किया जाता है, वो रेगुलेट किया जाता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन PISO के द्वारा। और ये PISO जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत आता है, डेट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि फायर क्रैकर्स को कौन रेगुलेट करता है, वो फाइनली किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, वो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। द नेक्स्ट न्यूज पीस इज विद रिस्पेक्ट टू ताज ट्रैपेजियम जोन। अब एक सेकेंड केवल आप वेट कीजिएगा। ताज ट्रैपेजियम जोन, और हाल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो बैन था कंस्ट्रक्शन पे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे, फिलिंग ऑफ ट्रीज पे इन ताज ट्रैपेजियम जोन, उसको लिफ्ट कर दिया है। ताज ट्रैपेजियम जोन लगभग एक ट्रैपेजियम शेप का एक बड़ा सा एरिया था अराउंड द ताजमहल, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा रोक के रखा गया था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ताजमहल एंड द एनवायरमेंट अराउंड इट। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को फाइनली लिफ्ट कर दिया है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर आइटम न्यूज़ में था। और ताज ट्रैपेजियम जोन के तहत यूनेस्को के 3 हेरिटेज साइट्स आते हैं, डेट इज़ ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी। उसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ पीस है, डेट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ओजोन पॉल्यूशन। अब न्यूज़ में ये इसलिए आया था क्योंकि दिल्ली में जो ओजोन का कंसंट्रेशन है रफली 1.22 टाइम्स ज़्यादा हो गया था। ओजोन एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली इमिट होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो फाइनली प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बनते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल है ओजोन, पैन, दैट इज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो अब ओजोन दो तरह में क्लासिफाई होता है, वन इज कॉल्ड गुड ओजोन एंड वन इज कॉल्ड बैड ओजोन। गुड ओजोन जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है और ये सन के अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, इसीलिए इसको गुड ओजोन कहते हैं। वही ओजोन जब ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है तो उसको बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है, साथ में एक बहुत ही बड़ा पॉल्यूटेंट भी है। और ओजोन फाइनली ट्रोपोस्फेयर में बनता कैसे है, तो होता क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज से जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रस ऑक्साइड्स जो इमिट होते हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्ट होकर ओजोन और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं। तो फाइनली जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो इमिशंस होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के, डेट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उनके रिएक्शन से फाइनली पैन और ओजोन बनता है, और पैन और ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाता है। और उसके अलावा फिर ओजोन के चलते प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो देख लेते हैं कि सरफेस लेवल जो ओजोन होता है वो फोटोसिंथेसिस को भी रिड्यूस कर देता है, प्लांट ग्रोथ को भी कम कर देता है,
और इसके अलावा ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, ओजोन डिप्लेशन के बारे में जो स्टैटिक है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल, बस एक फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए। इट एम्स टू अबेट एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन एंड इज पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन। तो गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन से रिलेटेड है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट एफर्ट्स, ओजोन हैज बीन क्लासिफाइड एंड मॉनिटर्ड एज वन ऑफ द 8 पॉल्यूटेंट्स अंडर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत 8 पॉल्यूटेंट मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, उसमें एक ओजोन भी है। और ये सफर है, सफर के तहत भी ओजोन कवर होता है, और सफर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत एक एप्लीकेशन है। नाउ कमिंग टू सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस, ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि ग्रीन पीस नाम का जो एनजीओ एक रिपोर्ट निकाला था जिसके तहत वो ये बताया था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। तो ये न्यूज पीस बस आपको पता होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड का जो मेन इमिशन होता है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के तहत होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो BS4 से जब BS6 नॉर्म्स में हम आ रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो इमिशन होगा वो कम किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो BS4 नॉर्म्स के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 50 PPM इमिट कर सकते थे सल्फर डाइऑक्साइड, वो BS6 नॉर्म्स के तहत 10 PPM हो जाएगा। और देर इज ऑल्सो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी जिससे सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन को कम किया जा सकता है इन इंडस्ट्रीज और इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लेकिन इंडिया उस टेक्नोलॉजी को लैक करता है। और फिर अगला जो टॉपिक है डेट इज रिगार्डिंग फ्लाई एस। फ्लाई एस में यहाँ जो न्यूज़ ये है कि द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ रिसेंटली डायरेक्टेड थर्मल पावर प्लांट्स टू टेक प्रॉम्प्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ फ्लाई एस। फ्लाई एस सबसे ज़्यादा जो इमिट होता है डेट इज वाइल द बर्निंग ऑफ कोल, और ये कि बाय प्रोडक्ट की तरह फ्लाई एस निकलता है। इंडियन कोल में फ्लाई एस काफ़ी ज़्यादा कंसेंट्रेशन में पाया जाता है, और फ्लाई एस डेफिनेटली एक पॉल्यूटेंट है, और इट कैन लीड टू मोर इमिशंस ऑफ PM2.5 एंड PM10 पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर। और उसके अलावा जब इनको अगर कम करना है तो फ्लाई एस को अगर कम करना है तो फ्लाई एस को कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि फ्लाई एस वाटर को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। तो डेफिनेटली जो सॉइल वाटर को कम एब्जॉर्व करती है वहाँ पे फ्लाई एस का यूज किया जा सकता है। उसके अलावा सीमेंट के जगह इसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद ये बहुत ही बड़ा एक एब्जॉर्बेंट है, वाटर एब्जॉर्बेंट है, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एब्जॉर्बेंट में भी यूज़ किया जा सकता है वाटर वेस्ट गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफिकेशन के पर्पज़ के लिए भी। अब इसके अलावा जो फैक्चुअल स्टफ है तो वो देख लेते हैं। एक मोबाइल ऐप है एस्ट्रैक नाम का, वो यही ट्रैक करता है वेरियस थर्मल पावर प्लांट्स में कि कितने फ्लाई एस निकल रहे हैं। और साथ में महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट फ्लाई एस यूटिलाइजेशन पॉलिसी इन 2016। ये आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअली डायरेक्टली एक सिंगल लाइनर सवाल आ सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव फ्लाई एस यूटिलाइजेशन पॉलिसी, तो दैट इज महाराष्ट्र। उसके अलावा ये जो न्यूज़ पीस है ये कोई भी इम्पोर्टेंस का नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हाँ, जो अगला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, COP2 बेसल रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशंस। तो इनका कॉम्बाइंड कॉप हुआ था जिनेवा में, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था। अब ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड है बस आपको ये पता होना चाहिए। बेसल कन्वेंशन जो है वो रिलेटेड है हाजार्डस वेस्ट से, रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो है रिलेटेड हाजार्डस केमिकल से, और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो रिलेटेड है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से, डैट इज मेनली पेस्टिसाइड्स। अब जो एक इम्पॉर्टेंट आइटम इसके तहत बस ये देख लेते हैं कि हाल में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत जो ये कॉप हुआ था उसमें डाइकोफॉल और पल फ्लोरो ऑक्टेनॉइक एसिड को भी इंक्लूड किया गया था एज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो बस आपको बस ये अंडरलाइन कर लेना है, बस इतना ही पता होना चाहिए। उसके अलावा अब नेक्स्ट आइटम है वाटर पॉल्यूशन में, तो आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल लेवल पे दो बॉडीज एग्जिस्ट करती है रिगार्डिंग वाटर, वन इज कॉल्ड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड अदर इज सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करती है, और सेंट्रल वाटर कमीशन सरफेस वाटर को रेगुलेट करती है। तो इसीलिए मिहिर शाह कमेटी भी बनी थी जिसका ये कहना था कि आप ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को अलग अलग बॉडी के द्वारा रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों में अलग नहीं है, वो इंटीग्रेटेड कंसेप्ट है। तो एक यूनिफाइड बॉडी होनी चाहिए नेशनल वाटर कमीशन के नाम की जो दोनों को रेगुलेट करे, लेकिन हालांकि अभी तक उस रिकमेंडेशन को फाइनली फॉलो नहीं किया गया है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक रिपोर्ट रिलीज की रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन इन इंडिया। बस आपको बस दो फैक्ट्स यहाँ पे पता होने चाहिए कि जो मिनिमम स्टिपुलेटेड परमिसिबल लिमिट है आर्सेनिक का, डेट इज 0.01 मिलीग्राम पर लीटर
आपको अगर ये याद रहता है तो ठीक है, लेकिन हाँ बस आपको बस इतना पता होना चाहिए, और साथ में ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन की प्रॉब्लम है वो मेजरली किस जगह एग्जिस्ट करती है। तो वो जो एग्जिस्ट करती है वो गंगा बेसिन में, बांग्लादेश से सटा जो वेस्ट बंगाल का एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आर्सेनिक की। वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और हालांकि ये भी न्यूज़ पीस काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि जो वेस्ट बंगाल में राइस ग्रो किया जाता है वहाँ पे भी आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब बायो रेमेडिएशन और बायो मैग्निफिकेशन, आपने स्टैटिक कंसेप्ट आपने देख रखा होगा। बायो मैग्निफिकेशन होता है कि जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है तो किसी भी पॉल्यूटेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ते जाता है, डैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। और बायो रेमेडिएशन होता है कि कोई भी अगर पॉल्यूटेंट है तो अगर किसी भी माइक्रो बैक्टीरिया को यूज़ करके उस पॉल्यूटेंट को एनवायरमेंट से अलग करना है तो डैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो रेमेडिएशन। अब इसके द्वारा अब आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन के बारे में डेफिनेटली उतना ज़्यादा प्रिलिम्स के एंगल से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही मेंस के एंगल से उतना इम्पॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर 2 साल में एक साल ज्योग्राफी में पेपर वन में आपका वाटर क्राइसिस से रिलेटेड सवाल आता ही आता है। 2019 का जो मेंस हुआ था उसमें भी वाटर क्राइसिस से रिलेटेड सवाल आया था, और वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, ये वाटर सेड मैनेजमेंट के बारे में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेड मैनेजमेंट, वाटर क्राइसिस, इन तीन टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक सवाल हर साल पेपर वन के ज्योग्राफी में आना ही आना है, तो ये टॉपिक आपका डिटेल में होना चाहिए। तो रफली रफली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ जो मेंस के एंगल से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो आपको अगर वाटर क्राइसिस से रिलेटेड सवाल आता है तो मेजर जो फैक्ट है रिगार्डिंग वाटर स्ट्रेस और वाटर क्राइसिस वो आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो 1500 क्यूबिक मीटर्स के आसपास है। यहाँ पे 1545 क्यूबिक मीटर्स इन 2011 लिखा हुआ है, और जो फॉल कर सकता है 1341 क्यूबिक मीटर्स बाय 2025। तो रफली 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास इंडिया में पर कैपिटा ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है। और ये कहा जाता है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के द्वारा कि अगर 1750 मीटर क्यूब पर पर्सन अगर वाटर अवेलेबिलिटी है, तो अगर 1750 मीटर क्यूब पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी है तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन उससे अगर कम है तो डैट इज कॉल्ड द कंडीशन इज कॉल्ड एज वाटर स्ट्रेस। और अगर 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन से वाटर अवेलेबिलिटी कम है दैट इज कॉल्ड एज वाटर स्कार्सिटी। तो वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कार्सिटी का प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर 1750 मीटर क्यूब पर पर्सन से कम है वाटर अवेलेबिलिटी देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज वाटर स्ट्रेस, अगर 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन से कम है वाटर अवेलेबिलिटी देन दैट इज कॉल्ड एज वाटर स्कार्सिटी। तो इंडिया की जो अवेलेबिलिटी है डैट इज रफली अराउंड 1500 मीटर क्यूब पर पर्सन, तो ये 1750 से तो कम है। तो इंडिया का जो कंडीशन है, इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, और अगर जब वो 1000 से कम हो जाएगा देन इंडिया विल बिकम वाटर स्कार्स कंट्री। तो जो मेंस में 2019 में जो सवाल आया था कि वाटर स्ट्रेस क्या है, तो यूपीएससी आपसे डेफिनेशन ही पूछ रहा था, फैक्चुअल डेफिनेशन, क्या ये लिखने से कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो वाटर स्ट्रेस हो जाएगा, ये लिखने से नंबर आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी वाटर स्कार्सिटी या वाटर स्ट्रेस रिलेटेड सवाल आ रहा है तो डेफिनेटली आपको इंट्रोडक्शन में ये जो फैक्चुअल स्टफ है, जो डेटा है, वो आपको बताना होगा कि 1750 से कम है तो देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज वाटर स्ट्रेस, 1000 से कम है देन दैट इज कॉल्ड वाटर स्कार्सिटी, और इंडिया का लगभग 1500 के आसपास है तो इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस कंट्री बट सून विल टर्न आउट टू बी वाटर स्कार्स कंट्री बाय अराउंड 2050 और 60। और इसके अलावा जो आपको मेंस के एंगल से प्रिपेयर करना है कि वाटर क्राइसिस का जो कॉजेज है वो क्या है और क्या क्या सॉल्यूशन लिया जा सकता है, तो डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर ही कर लेना है क्योंकि एक ना एक सवाल तो आना ही है पेपर वन में ज्योग्राफी में। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की कुछ कुछ स्कीम्स हैं जैसे जल शक्ति अभियान हो गया, अटल भूजल योजना हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर नीति आयोग की जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है उसको भी आप कोट कर सकते हो, इसराइल का मॉडल जो इसराइल का मॉडल है उसको भी कोट कर सकते हो कि कैसे वाटर स्कार्स कंट्री होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली वाटर को कंजर्व कर रहा है, लाइक माइक्रो इरीगेशन टेक्निक्स वहाँ पे डेवलप्ड हैं, और फिर ड्राई लैंड फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ पे। उसके बाद जो जो कॉजेज हैं वो मेनली आप एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और अर्बनाइजेशन से रिलेटेड आपके कॉजेज निकल जाएंगे, जहाँ जितना अर्बनाइजेशन है, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर में फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न है तो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम तो होगी ही, और उसी से रिलेटेड आपका सोल्यूशन भी निकल जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो एक नेशनल वाटर पॉलिसी है 2012
कि तो वो भी डेफिनेटली एक गवर्नमेंट स्टेप है। उसके अलावा जो नेशनल लेवल बॉडीज है लाइक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल वाटर कमीशन, वो भी आपको पता होना चाहिए। मिहिर सा कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई थी रिगार्डिंग वाटर स्कार्सिटी इंडिया में, कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, तो उसको भी आप कोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे देख लेते हैं जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी और ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो फोकस है वो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स पे है, और यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का यूज़ किया जाएगा फॉर इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी। क्योंकि फाइनली जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो वाटर सिक्योरिटी भी इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। और इस स्कीम के तहत कोई एडिशनल फंडिंग नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जल शक्ति अभियान के तहत कोई एडिशनल फंडिंग नहीं है। और इसके अलावा अब अगले स्कीम के ऊपर आ जाते हैं, डेट इज कॉल्ड जल जीवन मिशन। इसके तहत क्या होगा कि टैप वाटर, पाइप्ड वाटर सप्लाई हर हाउस होल्ड तक पहुंचा जाएगा, और टारगेट रखा गया है 2024 का। और जो टारगेट है डेट इज 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे बाय 2024 अंडर जल जीवन मिशन। और जल शक्ति मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था। तो दो जो मिनिस्ट्री थी, एक मिनिस्ट्री थी आपकी सरफेस वाटर से रिलेटेड, गंगा रिज्यूमिनेशन नाम की एक मिनिस्ट्री थी, और एक मिनिस्ट्री थी ड्रिंकिंग वाटर की। दोनों को मर्ज करके जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई, और उसी के तहत ये स्कीम लॉन्च की गई है उसी मिनिस्ट्री के द्वारा, जल जीवन मिशन, इन ऑर्डर टू सप्लाई पाइप्ड वाटर सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे बाय 2024। और इस स्कीम की अपनी फंडिंग भी है, जैसे जल शक्ति अभियान की कोई एडिशनल फंडिंग नहीं थी, इस स्कीम की फंडिंग भी है, इस पर्टिकुलर बजट में भी प्रोवाइड की गई है। अब कितनी फंडिंग है उतना आपको याद नहीं रखना, लेकिन हाँ एडिशनल फंडिंग है, बस इतना पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो एक और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हाल में क्या किया गया है कि सेंटर अलाउ कर दिया है ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज़ को कि वो जल जीवन मिशन के तहत पाइप्ड वाटर सप्लाई जो पहुंचाया जाएगा तो उसको चार्ज भी वहाँ पे वसूल कर सकते हैं, कि ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज़ वाटर प्राइसिंग भी कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि लोग बाग फिर सही से वाटर का यूज़ करें, बर्बाद नहीं करें। उसके अलावा एक नीति आयोग के द्वारा, और ये देख लेते हैं कि मेघालय बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी, तो बस आपको ये पता होना चाहिए। और डब्लिन प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल लेवल पे रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन, तो बस आपको ये फैक्चुअली इतना पता होना चाहिए कि डब्लिन वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, डब्लिन प्रिंसिपल्स, और मेघालय बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी। उसके अलावा देर इज़ कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये नीति आयोग रिलीज करता है, और हाल में इसका सेकेंड वर्जन नीति आयोग ने रिलीज किया, जिसके तहत यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को रैंक किया जाता है कि वो वाटर को कैसे कंजर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे 9 टोटल क्राइटेरियाज है, तो बस आप एक बार कर्सरी व्यू देख सकते हैं, और डिटेल में उतना देखने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी बस इतना ही ज़्यादा ज़्यादा पूछ सकता है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन लॉन्च करता है। नेशनल वाटर मिशन अवार्ड भी पेश किया गया था, तो अब ये भी देखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, नेक्स्ट स्कीम इज अटल भूजल योजना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा रन की जा रही है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और फंड्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। यहाँ पे 7 स्टेट्स पे फोकस किया जाएगा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और उसके अलावा टोटल यहाँ पे जो फंड्स है 6,000 करोड़ का है, 50% 3,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आएगा, और बचा जो 3,000 करोड़ है वो वर्ल्ड बैंक देगा एज लोन। और उसके अलावा अब अगला सॉइल पॉल्यूशन के टॉपिक पे आ जाते हैं। बायो रिमेडिएशन और बायो माइनिंग क्या है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। जब माइक्रो बैक्टीरिया बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट, तो उस प्रोसेस को बायो रिमेडिएशन कहते हैं। और बायो माइनिंग होता है कि जब माइनिंग करने के लिए ओर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं, देन डैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो माइनिंग। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया हैज़ हेल्ड ऑफ इम्पोजिंग ए ब्लैंकेट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक टू कॉम्बैट पॉल्यूशन। अब सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी आए थे 2016 में। इसमें मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग को डिफाइन किया गया था एज 50 माइक्रॉन्स,
तो बस आपको ये पता होना चाहिए। साथ में लोकल बॉडीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई थी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी इस पर्टिकुलर रूल्स के तहत लाया गया था। ई वेस्ट में भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है और साथ में वेंडर्स और वेस्ट जनरेटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकॉग्नाइज की गई थी। उसके अलावा जो प्लास्टिक्स का जो क्राइटेरिया है डिफरेंट टाइप्स का, वो आपको पता होना चाहिए। मेनली 6 तरह के प्लास्टिक होते हैं एंड दे आर पोलिस्ट्रीन, पोलीप्रोपाइलीन, लो डेंसिटी पोलिथिलीन, पोलीविनाइल क्लोराइड, हाई डेंसिटी पोलिथिलीन और पोलिथिलीन टेरेप्टाइलेट। मेंस में प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड सवाल आने की बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। और लेट से अगर आप केवल ये लिखते हैं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है या फिर बायोडिग्रेड काफ़ी लंबे टाइम में होता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है प्लास्टिक का, और साथ में कुछ रूल्स हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 के, वहाँ तक सही है। लेकिन अगर लेट से आप टाइप्स ऑफ प्लास्टिक भी यहाँ पे अगर किसी बॉक्स में लिख के अगर मेंस के आंसर में प्रेजेंट करते हैं, बिलीव मी यू विल डेफिनेटली गेट 1.5 to 2 मार्क्स एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ये इसलिए लिखना है क्योंकि अब हर तरह के प्लास्टिक अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे पीवीसी जो है वो रिसाइक्लेबल है लेकिन पॉलीप्रोपाइलीन उतना रिसाइक्लेबल नहीं है। तो आप अगर ये बॉक्स में ये 6 तरह के प्लास्टिक लिखते हैं, साथ में आप ये वहाँ पे मेंशन करते हैं कि पीवीसी या जो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है वो रिसाइक्लेबल है, तो इंस्टेड ऑफ पॉलीस्टीरीन और पॉलीप्रोपाइलीन हमको एचडीपी या फिर पीवीसी को यूज करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स फेच करेगा। और साथ में यूएनएपी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को ऑब्जर्व करता है। तो 2018 में जो मेन थीम था डेट वॉज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और यूएन एनवायरमेंट का एक प्रोग्राम है डेट इज कॉल्ड क्लीन सीज कैंपेन, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक और माइक्रो बीड्स वैसे प्लास्टिक को कहते हैं जिसका जो थिकनेस होता है डेट इज़ लेस देन 1 mm, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था क्योंकि बहुत सारे ओशियंस में, सीज में माइक्रो प्लास्टिक और माइक्रो बीड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा था, जिसके चलते वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट होता है। और इनफैक्ट बायो माइक्रो बीड्स के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी एक प्रीलिम्स में सवाल पूछ भी रखा है। साथ में और एक फैक्चुअल स्टफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ई वेस्ट रिलेटेड इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक इस्टेब्लिश किया जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में, बस ये आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए। और साथ में इंडिया जो है वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इमीटर ऑफ ई वेस्ट है आफ्टर यूएस, चाइना, जापान एंड जर्मनी, तो बस ये फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए। और ई वेस्ट रूल्स जो 2016 का था उसमें भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके अलावा इस पॉल्यूशन के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली जंप करते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, फिर एक वीडियो बचेगी जिसमें मैं बायोडाइवर्सिटी को कवर करूंगा। और बायोडाइवर्सिटी वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि जो फॉरेस्ट सर्वे है टाइगर सेंसस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने वहाँ पर कवर करना है। तो वो इनफैक्ट फॉरेस्ट सर्विस रिलेटेड एक सवाल तो आना ही आना है इस बार, तो जो अगला टॉपिक है उसको देख लेते हैं, डैट इज़ रिगार्डिंग जो 5वां सेक्शन है डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये मेन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से रिलेटेड बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक फ्रेमवर्क है डैट इज़ कॉल्ड सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो 2015 से 2030 के बीच में लागू रहेगा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो 2015 से लेकर 2030 तक लागू रहेंगे, वैसे ही सेंडाई फ्रेमवर्क भी 2015 से 2030 तक लागू रहेगा। और इससे पहले देर वॉज ह्यूगो फ्रेमवर्क, वो 2005 से 2015 के बीच में था। और नेशनल लेवल की बात करें तो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था, उसके तहत वेरियस बॉडीज बनाई गई थी एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। और उसके अलावा देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका काम है रिसर्च करना रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, और काफ़ी सारे फंड्स और फोर्सेस का भी इंतजाम है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, बोथ फॉर मिटिगेशन एंड फॉर रेस्पॉन्स। और उसके अलावा एनडीएमए वेरियस गाइडलाइंस पेश करता है फॉर द वेरियस डिजास्टर्स, तो बस ये फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। और हाल में ये ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डेट इज़ कॉल्ड यूएनडीआरआर, इसने ये ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट
को पेश की थी, बस आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। साथ में इंडिया में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रिजिलियंस हुआ था 2020 में, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो सेंडाई फ्रेमवर्क आउटलाइंस है वो 7 टारगेट को रिकॉग्नाइज करता है जिसको अचीव करना है बाय 2030। ये 7 टारगेट आपको याद होने चाहिए, बहुत ही जेनरिक है लेकिन आपको याद होने चाहिए। अगर मेंस में जो सवाल 2018 में आया था, ये 7 टारगेट को आपने अगर डिट्टो नहीं लिखा है तो आपको नंबर वैसे नहीं मिलेंगे, वो जेनरिक नंबर ही पकड़ाया जाएगा। रिड्यूस ग्लोबल डिजास्टर मॉर्टलिटी, रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल ग्लोबली, रिड्यूस द डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन टू GDP, रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग दिस स्ट्रेटजीज, सब्सटेंशियली इन्हांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये 7 टारगेट्स आपको याद होने चाहिए अंडर द सेंडाई फ्रेमवर्क। एंड सेकेंड इज नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, तो NDMA ने ये रिलीज किया है, ये आपको पता होना चाहिए। लैंडस्लाइड क्या होता है ये हर किसी को पता है। अब लैंडस्लाइड आ गया तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं या फिर फॉर प्रिवेंशन क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, तो आपको ये मेंस के एंगल से प्रिपेयर करना है। तो कुछ हद तक डेफिनेटली देख लेते हैं कि लैंडस्लाइड होता क्यों। ये सबसे ज़्यादा हिमालयन रीजन में होता है और वेस्टर्न घाट्स में होता है, और उनमें भी ज़्यादा हिमालयन रीजन में होता है। मेन जो दिक्कत है कि वो टेक्टोनिक बाउंड्री में लाई करता है हिमालयन रीजन, जिसके तहत ज़्यादा लैंडस्लाइड वहाँ पे होते हैं, और साथ में रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होता है हिमालयन रीजन पे, जिसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, और साथ में हिमालयस का जो स्लोप और हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते लैंडस्लाइड का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में डिफॉरेस्टेशन और काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री के बूम करने के चलते भी हिमालयन रीजन में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। तो डेफिनेटली एफॉरेस्टेशन या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री को रेगुलेट करना या फिर वहाँ पे वाल्स का क्रिएट करना, ग्रॉइनेस कहते हैं उन वाल्स को जिससे लैंडस्लाइड को रोका जाता है, तो वो वाल्स को भी क्रिएट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस लैंडस्लाइड। और साथ में ये न्यूज़ में भी आ रहा था, योजना ने भी कवर किया था कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स का भी अब यूज़ किया जा रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांसेस फॉर लैंडस्लाइड्स। और उसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ पीस है उसको देख लेते हैं। ये जो लैंडस्लाइड है या फिर हीट वेव है, ये आपको डिटेल में 2 पन्ने का आपको नोट्स बना के रखना है लैंडस्लाइड के ऊपर, हीट वेव के ऊपर, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट्स कि क्यों होते हैं और क्या क्या NDMA गाइडलाइंस है। बस आपने 2 पन्ने का नोट्स अगर 8 से 9 डिजास्टर पे बना लिया, तो वही जो आपका जो 9 पन्ने का नोट्स होगा 9 डिजास्टर से रिलेटेड, दैट इज मोर देन इनफ फॉर द टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन मेंस। अब नेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव, ये भी NDMA ने रिलीज किया है। अब हीट वेव की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो 2 तरह से डिफाइन किया जाता है, 1 इज बेस्ड ऑन द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, कि नॉर्मल टेम्परेचर से कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, और फिर बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर या फिर कितना ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच चुका है। अगर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है, डैट इज़ कॉल्ड हीट वेव, और अगर 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है, डैट इज़ कॉल्ड सेवियर हीट वेव, या फिर अगर 4.5 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है फ्रॉम नॉर्मल, दैट इज़ ऑल्सो हीट वेव, लेकिन अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है फ्रॉम नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड सेवियर हीट वेव। अब सबसे ज्यादा इंडिया में जो हीट वेव की प्रॉब्लम होती है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के रीजन में होती है, और डेफिनेटली जो मेजर रीजन है वो क्लाइमेट चेंज, अर्बन हीट आइलैंड का जो फेनोमेना होता है उसके चलते होता है। और जो एक्शंस लिए जा सकते हैं, तो जो कुछ एक्शंस होते हैं जो डिजास्टर के होने के बाद लिए जाते हैं, जैसे स्कूल वेकेशंस का प्रोवाइड, स्कूल वेकेशन प्रोवाइड कर देना जब हीट वेव आ रहे हैं, या फिर मनरेगा में लोगों को फिर फ्री में वेजेज मिलने लगते हैं कुछ टाइम तक जब हीट वेव रहती है की सिचुएशन रहती है, साथ में एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना, या फिर जहाँ पे कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं तेलंगाना और उड़ीसा के रीजन में कि अगर आप वाइट वॉशिंग करते हैं, वाइट कलर का आपका बिल्डिंग का पेंट होता है, तो डेफिनेटली कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसके चलते क्या होता है कि वाइट पेंट्स के द्वारा एल्बिडो बढ़ जाता है सनरेज के लिए। और उसके अलावा ORS सोल्यूशन प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा को बूस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होता क्या है कि हीट स्ट्रोक्स के द्वारा इवन डेथ के चांसेस भी होते हैं, तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, ORS सप्लीमेंट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सप्लीमेंट्स को प्रोवाइड करना जब हीट वेव की सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन जो मेजर जो सॉल्यूशन है हीट वेव को रोकने का, वो तभी रुकेगा जब आप क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है उसको टैकल कर रहे हैं, अगर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है, या फिर लेट्स से
और भी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उनका यूज किया जा रहा है, तो उसके तहत क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगे, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हीट वेव वो भी कम होगा। उसके अलावा ये एक पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में थी, रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि केरला में फ्लड्स आई थी, तो केरला में एक कुतनाद नाम का एक एरिया है वो काफ़ी टाइम तक सबमर्ज रहा था अंडर द फ्लड्स, अंडर द सी। तो इसी मॉडल को नेदरलैंड रेप्लिकेट करेगा और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम नेदरलैंड दे रहा है रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो बस आपको बस फैक्चुअली इतना ही पता होना चाहिए। और कुतनाद बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम जो टैग है वो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO देता है, और इंडिया में दो ऐसे सिस्टम को ये टैग मिल चुका है। वन इज़ कुतनाद बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम, और एक ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है कोरापुत उड़ीसा में, उसे भी ये टैग मिल चुका है। और उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है वो ज्योग्राफी में देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी एज सच प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं जो पूछा जा सकता है। साइक्लोन ऑफ फानी न्यूज़ में था और ये उड़ीसा के कोस्ट को हिट किया था। तो देयर इज अ साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, जिससे हरिकेन की इंटेंसिटी को नोटिफाई किया जाता है। बस आपको ये पता होना चाहिए साफिर सिम्पसन स्केल इज रिलेटेड टू साइक्लोन्स एंड हरिकेन। उसके अलावा ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये पहले क्या तमिलनाडु कोस्ट को हिट करने वाला था, अचानक से इस साइक्लोन ने अपना रूट चेंज किया, उड़ीसा के पास गया, फिर उड़ीसा के कोस्ट को हिट किया, तो इसलिए ये साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। उसके अलावा जो इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं उनके जो नॉमेनक्लेचर नेमिंग होती है उसमें क्या होता है कि 8 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये बारी बारी से नाम देते हैं। एक बार बांग्लादेश देगा तो अगले बार इंडिया अपना नाम देगा, फिर मालदीव्स अपना नाम देगा, फिर म्यांमार अपना नाम देगा, फिर ओमान अगले साइक्लोन का नाम देगा, फिर पाकिस्तान अगले साइक्लोन का नाम देगा। तो इसी तरह ये सिक्वेंसली नेमिंग करते हैं, और क्या क्या नेम्स ये रखेंगे ये भी फिक्स्ड है कि इंडिया एक बार ये दे चुका है, जब इंडिया की अगली बार बारी आएगी तो इंडिया फिर साइक्लोन का नाम ये देगा। तो डेफिनेटली ये फिक्स्ड है, टोटल 64 नेम है, उन्हीं में ये नामांकन होता है। और फानी जो नाम था वो बांग्लादेश ने दिया था। अब साइक्लोन, अब थोड़ा स्टैटिक कंसेप्ट से देख लेते हैं। तो 27 to 28 डिग्री सेल्सियस सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए फॉर साइक्लोन टू अकर, और लो प्रेशर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, वही आई का काम करता है साइक्लोन में। और साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और अर्थक्वेक और सॉरी इक्वेटर के ऊपर कोई साइक्लोन नहीं बन पाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोरोलिस फोर्स जीरो होता है। कोरोलिस फोर्स इज वेरी नेसेसरी फॉर द रोटेशन ऑफ साइक्लोन्स। और उसके अलावा इंडिया में जो ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं वो बे ऑफ बंगाल के साइड आते हैं, अरेबियन सी के साइड कम साइक्लोन आते हैं। रीज़न इसका ये है कि अरेबियन सी में जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता है। अब फिर अगला देख लेते हैं, साइमल्टेनियस साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में कम साइक्लोन आते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते हैं। कुछ साइक्लोन्स जैसे लास्ट ईयर जो आए थे, साइक्लोन क्यार, साइक्लोन माहा, ये अरेबियन सी में ही आए थे। और हुआ क्या था कि जनरली अरेबियन सी का जो टेम्परेचर होता है, सी सरफेस टेम्परेचर, वो कम होता है, लेकिन हाल फिलहाल में देखा गया है कि वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। उसके तहत भी फिर काफ़ी सारे साइक्लोन्स अरेबियन सी के ऊपर भी बन जाते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, पिछले साल में इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव फेज था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन ओशन डाइपोल था, जिसके तहत क्या हुआ कि अरेबियन सी के का जो सी सरफेस वाटर था वो उसकी हीटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसके चलते फिर फर्दर वहाँ पर लो प्रेशर बना और काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो गया था। अब इंडियन ओशन डाइपोल क्या है कि इंडियन ओशन डाइपोल इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो अफ्रीका के पास जो इंडियन ओशन है और ऑस्ट्रेलिया के पास जो इंडियन ओशन का जो पार्ट है, उन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस इज कॉल्ड इंडियन ओशन डाइपोल। जब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होता है, मतलब अफ्रीका के आसपास जो इंडियन ओशन है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो डैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर इंडियन मानसून। और जब इंडियन ओशन डाइपोल निगेटिव होता है, डैट इज़ जब ऑस्ट्रेलिया के पास जो इंडियन ओशन है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो इंडियन मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। इंडियन मानसून काफ़ी ज़्यादा उसके चलते फिर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो पाती है। तो इंडियन ओशन डाइपोल इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न इंडियन ओशन। और जब भी इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होता है, देन डैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर द इंडियन मानसून्स। और ये इंडियन ओशन डाइपोल लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, जिसके चलते आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अरेबियन सी में काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स आए, क्योंकि वहाँ पे अरेबियन सी के सी सरफेस वाटर की काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हुई थी। और साथ में ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हुए थे, उसका रीज़न भी था पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल।
अब डिले इन मानसून ये भी न्यूज़ में था क्योंकि एक वीक का डिले हुआ था लास्ट ईयर 8 जून को केरला कोस्ट पे मानसून विंड्स ने स्ट्राइक किया था। तो अब ये देख लेते हैं, जब भी अलनिनो होता है तो वो इंडियन ओशन इंडियन मानसून के लिए नेगेटिव होता है, लानीना होता है तो इंडियन मानसून के लिए पॉजिटिव होता है। अलनिनो और लानीना आप स्टैटिक में जाके रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है क्योंकि काफ़ी स्टैटिक सा कंसेप्ट है, एक बार देख जरूर लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी अलनिनो लानीना से रिलेटेड मेन्स में भी इवन प्रीलिम्स में भी एक सवाल पूछ ही लेती है 2 साल में एक बार। तो अलनिनो इंडियन मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है, लानीना इंडियन मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन इंडियन ओशन इंडियन मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। मैडन जूलियन ऑसिलेशन काफ़ी बढ़िया है तो वो इंडियन मानसून के लिए काफ़ी बढ़िया है, और इंडियन ओशन डाइपोल का अगर पॉजिटिव फेज होता है तो इंडियन मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है, और इंडियन ओशन डाइपोल अगर नेगेटिव होता है तो इंडियन मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा वो हानिकारक या नेगेटिव होता है। ए पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल ब्रिंग्स मोर रेन टू द इंडिया। अब उसके अलावा जेट स्ट्रीम्स के बारे में, जेट स्ट्रीम्स जैसे जो इंडियन सब कंटिनेंट के ऊपर जो पास करता है उसकी अगर शिफ्टिंग हो जाती है टुवर्ड्स टाइबेटन प्लेट्यू, तो जिसके चलते क्या होता है कि इंडियन सब कंटिनेंट के ऊपर लो प्रेशर आसानी से बन जाता है, जिसके चलते फिर इंडिया में मानसूनल रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है और स्ट्रॉन्ग मानसून इंडिया में आता है। और मैडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में नहीं पता है, ये भी स्टैटिक कंसेप्ट ही है। इट इज़ ए ग्लोबल बैंड ऑफ लो प्रेशर एरिया मूविंग पीरियोडिकली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये काफ़ी अच्छा है मैडन जूलियन ऑसिलेशन तो इंडियन मानसून के लिए सही है, लेकिन अगर ये डिप्रेस्ड हो गया, ये थोड़ा वीक हो गया तो इंडियन मानसून के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इस बॉक्स को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं मान रहा हूँ कि डेफिनेटली आपको इतना पता होना चाहिए। और उसके अलावा ये टॉपिक को देख लेते हैं, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरट्यूनिंग सर्कुलेशन, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ विजन ने डाल दिया है, और लेकिन बस आप एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है। मतलब ये स्टडी ने ये फाइंड किया था कि जब इंडियन ओशन की वार्मिंग होती है तो अटलांटिक ओशन में भी जो करंट्स हैं उनके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रांग हो जाता है। तो बस ये एक रिपोर्ट आई थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये डाउन टू अर्थ की कोई रिपोर्ट थी तो इसलिए PT365 ने डाल दिया, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस कल देख लेते हैं कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरट्यूनिंग सर्कुलेशन होता क्या है। इसके तहत बस ये होता है कि इट ट्रांसपोर्ट्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर टुवर्ड्स द नॉर्थ अटलांटिक। तो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ अटलांटिक की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरट्यूनिंग सर्कुलेशन के द्वारा, बस आपको इतना पता होना चाहिए, और ये काफ़ी वीक हो जाता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब एक और न्यूज़ पीस है एंथ्रोपोसिन इपोच, अब ये देख लेते हैं कि ये क्या है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है सबसे बड़ा होता है इयोन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर इपोच, अभी जो चल रहा है डेट इज़ होलोसिन इपोच। अब कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते इतने ज़्यादा चेंजेज आ चुके हैं कि अब नए इपोच को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, डेट इज़ एंथ्रोपोसिन इपोच। अभी होलोसिन इपोच ही चल रहा है लेकिन बात की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा कि अब इपोच को चेंज कर देना चाहिए बिकॉज वी हैव मूव फ्रॉम होलोसिन इपोच टू एंथ्रोपोसिन इपोच। एंथ्रोपोसिन इपोच का नाम एंथ्रोपोसिन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एंथ्रो बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज इपोच में चेंज आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते इतना ज़्यादा एनवायरमेंट में चेंज आ चुका है कि नाउ वी हैव टू चेंज द इपोच फ्रॉम होलोसिन टू एंथ्रोपोसिन। अगला जो न्यूज पीस है डेट इज डीप ओशन मिशन, अब इंडिया प्लान कर रहा है डीप ओशन मिशन को लॉन्च करने के लिए, इसमें डीप सी माइनिंग और अंडर सी स्टडीज को प्रमोट किया जाएगा। ये स्टार्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा, जितना भी डीप सी काम होता है या नॉर्थ पोल साउथ पोल से रिलेटेड इंडिया कुछ भी स्टडी करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस कवर करती है। एक समुद्रयान प्रोजेक्ट भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत कवर किया जाएगा। इसमें लोग बाग को अंडर सी भेजे जाएंगे कि सच दैट की अंडर सी स्टडीज हो सके। उसके बाद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है जो अंडर सी माइनिंग को रेगुलेट करती है, ये 1994 के यूएन क्लॉज के तहत बनाई गई थी, डेट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, और इंडिया इसका एक मेंबर है। और जो अंडर सी माइनिंग होती है मेनली दो चीज़ों की होती है, एक होती है मिथेन क्लैथरेट कंपाउंड्स की होती है और एक पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की होती है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में काफ़ी सारे मेटल्स पाए जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन मैंगनीज का होता है, इसीलिए इसे मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पीस है वो मैं आपको बता देता हूँ, रिसेंटली द 11th एक्सपीडिशन ऑफ द इंडियन मिशन टू द साउदर्न ओशन अंटार्कटिक ओशन हैज़ बीन कमेंस्ड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा ही किया जा रहा है।
बस आपको इतना पता होना चाहिए। और कुछ कुछ जो इंडिया के मिशंस हैं नॉर्थ पोल पे के आसपास, वन इज इंडार्क एंड वन इज हिमाद्री, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा कवर किया जाता है। और साथ में जो अंटार्कटिका में जो इंडिया के मिशंस हैं, दक्षिण गंगा सबसे पहला था जो अब बंद हो चुका है, और अभी दो चल रहा है, डेट इज मैत्री एंड भारती। उसके अलावा बस आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए, माउंट इटना इटली में है और माउंट सीनाबंग यहाँ पे नॉर्थ सुमात्रा इंडोनेशिया में है, बस आपको फैक्चुअली इतना ही पता होना चाहिए। और उसके अलावा मोजेक एक्सपेडिशन और सारगासो सी के बारे में देख लेते हैं। मोजेक एक्सपेडिशन क्या है, फुल फॉर्म इज मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ द आर्टिक क्लाइमेट। बस आपको पता होना चाहिए कि आर्टिक एरिया को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेडिशन है अमॉन्ग द डिफरेंट कंट्रीज। मोजेक एक्सपेडिशन इज फॉर आर्टिक, फॉर स्टडिंग द आर्टिक क्लाइमेट। और सारगासो सी जो है ये नॉर्थ अटलांटिक सी का पार्ट है, ये चारों तरफ से ओशन करंट्स के द्वारा घिरा होता है। तो तीन ओशन करंट्स इनको घेरती हैं, वन इज गल्फ स्ट्रीम, वन इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्थ अटलांटिक करंट, एंड वन इज कैनरी करंट। अब इनके चारों तरफ से ये करंट से घिरा होता है, जिसके चलते क्या होता है, यहाँ पे एल्गी का कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग जो सीवीड होता है उसको सारगैसम कहते हैं, जिसके चलते इसका नाम पड़ा है सारगासो सी। और उसके अलावा एक नॉर्दर्न यूरोपियन इंक्लोजर डैम बनाया जा रहा है डच गवर्नमेंट, डेट इज नीदरलैंड के द्वारा। और इस डैम के तहत क्या किया जाएगा, नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को सेपरेट किया जाएगा। और ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये ट्राई किया जाएगा कि सी लेवल राइज जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, उसको थोड़ा कम किया जा सके। उसके अलावा बस आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए कि कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट गोदावरी पे है, जायकावाड़ी डैम भी गोदावरी पे है, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये जम्मू एंड कश्मीर में है उज रिवर पे, और उज रिवर रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और बुरही दिहिंग रिवर भी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो फैक्चुअली आपको इतना पता होना चाहिए। बस डैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने कवर कर दिया यहाँ पे पॉल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी। बस एक पार्ट बच रहा है बायोडाइवर्सिटी का, तो उसे भी मैं या आज या कल मैं कवर कर ही दूंगा। और वो पर्टिकुलर वीडियो आएगा PT365 एनवायरमेंट पार्ट 3 के नाम से, और ये वीडियो रहेगा PT365 एनवायरमेंट पार्ट 2 के नाम से। सो डेफिनेटली दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।